अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, तो जो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम, नहीं तो आगे चलें। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे LMS पे अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि आज नेट का बहुत इशू था, तो कुछ कुछ अंदर से ना पॉइंट मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो वो हम रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। काइंडली वो तो सेंड कर दीजिएगा आज मारिया, LMS पे। इस तरह से है कि जब आप LMS खोलते हो ना, ठीक है, यस सर। ठहरो एक मिनट, ठहरो। ये देखो LMS शेयर हो रहा है आप लोगों को। यस सर, हो रहा है। यस यहाँ पे देखो सर। लिखा हुआ है अपकमिंग मीटिंग्स, प्रीवियस मीटिंग एंड क्लाउड। सबसे पहले यहाँ पे जब आप LMS ओपन करते हो ना, ये आता है, यस सर। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जूम लिंक फ्रॉम लेक्चर 4 to 6। ये यस फोर सर। टू सिक्स नहीं है, ये 24 तक है, ये 7th 8th हो जाएंगे। ये एडिट कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। यस सर। तो जब आप इसे करते हो ना, तो यहाँ आता है अपकमिंग मीटिंग, जो आगे 18 और 25 के भी रहती हैं, और इस टाइम हमारी चल रही है आज की, टूडे में। प्रीवियस मीटिंग, ये प्रीवियस मीटिंग है सारी, यस ठीक सर। है। और ये लिखा हुआ है क्लाउड रिकॉर्डिंग, तो पिछली सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पड़ी हुई है, यस सर। ठीक है। तो जी यहाँ सर। से आप डाउनलोड कर सकते हो एनी टाइम, यस सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो ये पिछली सारी पड़ी हुई हैं, तो हमें मतलब अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे होती हैं। यस सर। थैंक यू सर। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसी बात भी बीच में ना बोलें जो कि रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पड़ी होती हैं, कोई बंदा किसी टाइम भी पकड़ सकता है। तो वो ऐसी कोई बात ना हो कि जो मतलब वैसे ही शर्मिंदगी का बायस बने। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास बड़ी स्मूथ जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, यस सर। ठीक है जी। ठीक है थैंक यू सर। जी। इसको सेव कर लेते हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था, लेक्चर सेवन नंबर सिक्स, सर। सिक्स सिक्स सर। सिक्स सर। सिक्स है। यस सिक्स पार्ट वन। ये हमारा इस टॉपिक का भी लास्ट हो जाओ होगा, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जी, रिलैक्सेशन
रिलैक्सेशन मेथड्स या टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। इसमें दो आती हैं, ओवर रिलेशन एंड अंडर रिलेशन। तो एक मैं कर देता हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो SOR मेथड हम लोग देखने लगे हैं, सक्सेसिव ओवर रिलेशन मेथड। तो इसके लिए हम जो यूज करने लगे हैं वो गॉस सीडल मेथड को यूज करेंगे। आता है ना गॉस सीडल? जी सर, यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले लेते हैं कंसीडर एन एन क्रॉस एन डायगनली डोमिनेंट। a11x वन टू एक्स टू वन थ्री एक्स थ्री वन आई एक्स आई वन एन एक्स एन इज इक्वल टू b1। b1 सेकेंड इक्वेशन टू जीरो। वन एक्स वन जीरो, नहीं तो सर डायगनली डोमिनेंट कौन सा? अज्यूम किया हुआ है ना। डायगनली डोमिनेंट क्या होता है? नहीं आइडिया। डायगनल एलिमेंट्स ग्रेटर होते हैं सर बाकी नॉन सब, जीरो। नॉन जीरो और सबसे बड़े होते हैं। यस सर। सर ये ए SOR का क्या मतलब है? कौन सा मेथड SOR? सक्सेसिव ओवर रिलेशन। यस सर। सर SOR का आपने क्या बताया? समझ नहीं आई। a2nx है। रिलेशन ठीक है। ओके सर। b2 a3 1 x1 3 2 x2 a3 3 x3 4 a3 i xi c1 x1 b3 an1 सर ये आई वाली टर्म सेंटर में लिखने का कोई खास मकसद है इसमें? हाँ जी, मकसद तो नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आप लोगों को एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको समझना आसान हो जाएगा, ना भी लिखें तो खैर है। ओके सर। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसको समझाना बहुत आसान हो जाएगा, मेरे लिए आसानी है। जी सर। और डेफिनेटली आप लोगों को अगर समझ आ जाती है तो आपके लिए भी आसानी है। क्या जी ख्याल सर, है? डेफिनेटली। यस सर। यहाँ क्या लिखूंगा? आई लिखेंगे। आई यहाँ एन वन वन एन टू
बी जी एन ठीक है। जी सर। अच्छा, यस सर। गॉस सीडल मेथड क्या था? इसको अगर गॉस सीडल मेथड में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले इक्वेशन में से एक्स वन, जी सर, सेकंड एक्स वन इक्वेशन एक्स टू, देन थर्ड में से एक्स थ्री, आई में से एक्स एक्स थ्री आई और लास्ट में से एक्स एन। एक्स एन। यस तो सर। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स वन के के इक्वल टू वन ओवर ए वन 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 इनटू बी वन माइनस बी वन माइनस ए वन टू एक्स यस वन सर। के माइनस वन। सर के प्लस अगर यहाँ के प्लस वन लिख रहे हैं तो यहाँ के लिख देंगे, और अगर वहाँ के लिख रहे हैं तो यहाँ के माइनस वन, एक ए काम हो गया। माइनस वन। यस सर। वो सर ये एक्स टू नहीं आएगा यहाँ पे? कहाँ? ए वन टू एक्स टू। जी ठीक कह रहे हो। एक्स टू ए वन थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री के माइनस वन माइनस माइनस सॉन माइनस ए वन ए वन एन आई एक्स आई के माइनस वन और माइनस ए वन एन एक्स एन। एक्स एन के माइनस वन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट, एक्स टू इज इक्वल टू वन ओवर वन ओवर ए टू 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 सर इनटू बी वन माइनस ए टू माइनस ए टू वन एक्स वन एक्स वन के माइनस एक्स वन। ये पता चल गया ना के क्यों लगाया? यस सर। टू थ्री एक्स थ्री के माइनस वन, ये क्या चक्कर हुआ? वहाँ के लगा दिया, यहाँ के माइनस वन। सर जो एक्स वन जो हमारे पास न्यू टर्म का आंसर आएगा ना, वो हमने इसमें ऐड करना है। एक्स टू तो वो जो हमें मतलब जी ठीक है, वो पहले पहले वाली वैल्यू जो एक्स न्यू एक्स वन न्यू आई है वो यहाँ पुट करनी है। माइनस के लिए लिखो ए टू एन एक्स वन के माइनस वन। एक्स थ्री के वन ओवर ए वन ओवर ए थ्री 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 इनटू बी टू माइनस माइनस ए थ्री वन थ्री वन थ्री वन एक्स वन के एक्स वन माइनस थ्री थ्री टू टू एक्स टू एक्स टू के सर माइनस और यहाँ आ रहे हैं, ये दोनों नहीं है। जी माइनस माइनस सर, यहाँ माइनस नहीं आना था ए थ्री टू, यहाँ पे भी माइनस आना है। ठीक कह रहे हो, माइनस ए थ्री आई एक्स आई के माइनस वन और माइनस माइनस ए ए थ्री एन एक्स एन एक्स के माइनस वन के माइनस वन। एक्स आई जी एक्स आई के वन ओवर ए ए आई 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 इनटू बी आई माइनस ए आई वन आई वन एक्स आई एक्स वन के एक्स वन माइनस ए आई टू एक्स टू के माइनस सो माइनस ए आई जी थ्री नहीं आई थ्री नहीं आएगा आई जी क्या लिखूं?
वन लिख देते हैं। ओके ये टर्म भी करना है। ठीक है एक्स जी क्या लिखूं? एक्स आई माइनस वन और यहाँ के आएगा के प्लस A I N X N X I K जी ये टर्म सबको क्लियर हो गई। शकर वाला सर वहां पे K माइनस वन नहीं आएगा सर लास्ट वाली आइटरेशन K माइनस वन आखिर में K माइनस वन आएगा। यस जी और लास्ट में हम लोग एक्स एन वाली टर्म लिख देते हैं। एक्स एन इज इक्वल टू जी एक्स एन के के इज इक्वल टू वन ओवर ए आई एन 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 बी एन माइनस ए एन वन एन वन एक्स वन के माइनस एन टू एक्स टू के माइनस अप टू सो जी एन आई एक्स आई के माइनस अप टू सो ए एन माइनस वन यहाँ एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन माइनस वन। ठीक है सही हो गया जी। एनी प्रॉब्लम सबको क्लियर है? यस सर। गाइस द नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन बट सॉरी शकरुल्ला जी शकरुल्ला शकरुल्ला नहीं है सर। आई सेड द एक्शन बट सॉरी शकरुल्ला हैव यू एनी प्रॉब्लम? सर उसका नेट प्रॉब्लम है उसकी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में शायद। बाकी सबको क्लियर है ये? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? No. अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं ये क्या चीज है ये सारी X. ये वैल्यूज है आंसर है ऐसा ही है ना जी। ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं गिवन सिस्टम में। ठीक है इस सिस्टम में तो these values put above values in given system ji given system mein value put karte hain yahan kya likha jayega k माइनस वन एक्स वन की वैल्यू ओके वैल्यू नहीं ना इनिशियल वैल्यू पुट होगी ना k माइनस वन k माइनस वन k माइनस वन एंड देन k माइनस वन। ठीक है एनी प्रॉब्लम? दूसरी क्वेश्चन में क्या आएगा सर एक्स वन की जगह
ये आ जाएगा और बाकी जगह x k माइनस यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं ये सिंपल वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा रेड निशान इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पुट हो रही है फर्स्ट टू इक्वेशन में वैल्यू निकल आई तो थर्ड इक्वेशन में यहाँ क्या आएगा के एंड नेक्स्ट में भी के आएगा यहाँ के माइनस वन यस सर के माइनस वन के माइनस वन माइनस वन और नेक्स्ट के 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 माइनस वन वन और लास्ट में सब में के आ जाएगा लास्ट वाली लास्ट में के माइनस वन हाँ जी जी स्टेप क्लियर है यस सर जी सर प्रॉब्लम नो सर ठीक है मुझे ये बता सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यूज और एग्जैक्ट वैल्यूज अप्रोक्सीमेट सर अप्रोक्सीमेट सो when you put approximate value is it possible left hand side is equal to right hand side no no sir left side right side ke equal nahi hogi iska matlab approximately equal sir aapki awaaz bahut kam hogi hai acha main koshish karta hu unchi bolu ab hamare paas left side b1 hai right side pe इक्वेशन नंबर वन को देखते हैं नंबर वन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू दैट मीन के वन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एंड राइट साइड इज इक्वल टू बी वन इज इट पॉसिबल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर बोथ आर इक्वल जी इज इट पॉसिबल सर समझ नहीं आई क्या लेफ्ट और राइट बराबर होंगे कि नहीं ये जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या इक्वल होंगे नो सर नहीं सर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे इक्वल नहीं होंगे यस सर आवाज आपकी थोड़ी सी लो आ रही है मेरी आवाज लो आ रही सबको लो आ रही है या किसी एक को लो आ रही है सही आ रही है नो सर सही आ रही है सर एकदम से कम हो रही है फिर कभी ठीक हो जाती है सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है यस सर नो सर सही आ रही है हमें तो सही आ रही है हमें सही आ रही है यार देख लें अगर कोई मतलब इस तरह का इशू आ रहा है सबके साथ तो फिर मेरे एंड पे है अदरवाइज वो इंडिविजुअल्स के एंड पे है नहीं सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है अच्छा चलें यहाँ पे ये बात हम लोगों ने डिस्कस की कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देयरफॉर इट मस्ट बी देयर इज सम एरर्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऐसा ही है जी सर Assume that errors are R1, R2 and R3. Then क्या होगा इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा बार बार लिखने से बेहतर है ओए क्या कर रहे हो ये कौन था मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम भाई साहब खैरियत है
वन माइनस दिस वन इज इक्वल टू आर वन, बी टू माइनस ऑल दीज वैल्यूज इज इक्वल टू आर टू, आर टू एंड दिस आर इज, यहाँ ये आएगा ना, ये एरर जो है वो केस टर्म की आ रही है, और देन बी थ्री, बी थ्री माइनस ए थ्री। सर ये बी आई सी ये तमाम ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं? नहीं ये तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट थे ना, दूसरी साइड पे थे, दूसरी साइड पे कांस्टेंट थे ना, ठीक है, और यहाँ पे जीरो नहीं ना आ सकता, जीरो की बजाय ये आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ एरर आएगी ना, जी जी इस वजह से n माइनस। जी कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, यस सर, ओके। जी हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं गॉस सीडल मेथड, कौन सा मेथड? गॉस सीडल मेथड। तो उसके मुताबिक अगर हम लोग ये देखें तो mth जो आपके पास i कंपोनेंट है वो क्या बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा है, ये मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा और मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको डिस्कस करते हैं फिर दोबारा डिटेल में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी शकरुल्ला, आई विल एक्सप्लेन अगेन समथिंग। ओके are you clear this one? Yes sir, yes sir, there but some problem of net but I this is the original question, these are the system. Yes sir, are you clear? Yes sir, yes sir. Okay, in step 1 we use Gauss Seidel method and we put only the values of the kth iterations. So left side is x1 and the right side is 1 over a11 b1. So from the equation 1, yes, we transform all the values on right hand side except x1. Okay? Yeah. And the equation number 2, we transfer, yes, all sir, the values on the right side except x2. Shukrullah. Okay. Yes sir, okay. And right, because this one is the a Gauss Seidel method, so we write k minus 1 as a superscript of all equations according to the Gauss Seidel method. Okay? Okay sir. Then actually these are the approximate values. Because when we use Jacobi method or Gauss Seidel method, we find the approximate values, not the exact values. Are you know? Yes, sir. When we use Gauss Seidel method, then we find the approximate values, not the exact value. So all, yes, i's values are the approximate values. So in this case, when we put all the values in this equation on the given or the given equation, then if we transfer all values on the right hand side, then there generates some error. In this case we, yes, r1 r2 r3 we assume all these the error. In equation number, yes, 1 we generate error 1, r1 from the equation 2 we given r2 and in the last is rn. Is it okay? Yes sir. Okay, then we write again a general formula for r the errors, which is equal to r m I k is equal to, that means
m mean maybe r n r I r 3 r 2 r 1 that mean m mean anyone. Then we have b ji kya likhenge b m minus g sum of j is equal to 1 to I minus 1 one from a m j x j k minus sum summation j is equal to 1 to I to n a m j x j k minus 1 जी ठीक है. ये सारे सिस्टम को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. यस सर. यस सर. विद द हेल्प ऑफ गॉस सिडल मेथड. जी क्लियर है ये बात. यस सर. चेक इट दैट बी एम माइनस sum j is equal to 1 to I minus 1 a m j x j k minus sum of j is equal to I plus 1 n a m j x j k minus 1. Check it that here is start from in this step start from j is equal to I, but here we start from I j is equal to I plus 1, so it is necessary to write the last term m I x I k. ji ye baat clear hui. ye hame zarurat thi isliye humne nikal ke side likha. Yes sir. That means we break this term into two terms, this one and this one. Sir, ye step please dobara repeat kar denge aap. Ji. Check that j is equal to I to n. So we break this. Sir, ye jo xm I humne likha ye kahan se liya? Kaun sa? नहीं आप यहाँ से ये स्टेप कह रहे हो जनरलाइज किया ऊपर वाली सारी जो सिस्टम था उसको इकट्ठा करके लिख दिया इसको. ये वाला जो सिस्टम है ना सारा इसको हमने लिख दिया इसमें. आपको कहाँ से नहीं समझ आ रही? आप मौजूद हो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे साथ? नहीं है. क्वेश्चन पूछ के गायब हो जाते हैं. है शायद नेट का प्रॉब्लम है इसलिए. वो बीच में नेट चले जाते हैं ना वो भी इस वजह से स्टेप दोबारा बीच में गायब हो जाता है. जी हाँ जी ऐसे. यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर. ये जो हमने ये टर्म लिए जिसका समेशन i प्लस 1 टू n है इसकी आइट्रेशन k माइनस 1 हमने क्यों लिए? इसकी निशान लगा रहा हूँ नजर आ रहे? जी जी. तो यहाँ देखो अपर कुछ केस वाली टर्म है कुछ के माइनस वन वाली है. ठीक है तो जो के माइनस वन वाली है. ठीक है. ओके ओके ठीक है सर. ब्रैकेट लगाना था वो हमने लगाई. जी ठीक हो गया? यस सर हो गया. यस सर. ओके आफ्टर दैट यहाँ देखो आपके पास दो टर्म्स जो सी हैं ये वाली पहली ये किसके इक्वल आ रहा है? ये किसके इक्वल है?
एनीवन आर एम आई के जी आर एम आई जैसे ऊपर वाली टर्म है आर एम आई ये सर वो जनरल टर्म बन गई ना सर उसकी जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल टर्म बन गई ना सर वो गॉस सीडल मेथड गॉस सीडल मेथड की ओके ओके ठीक है ये गॉस सीडल मेथड की जनरल टर्म है ठीक है देयरफॉर आपके पास ये इस तरह से लिखा जाएगा आर आई आई के इज इक्वल टू आई माइनस सम जे इज इक्वल टू वन टू आई माइनस वन ए आई जे एक्स जे के माइनस सम ऑफ जे इज इक्वल टू आई प्लस वन एन ए एम नहीं आएगा अब आई आएगा आई जे एक्स जे के माइनस वन ठीक है और लास्ट में हमारे पास एक टर्म थी माइनस ए आई आई एक्स आई के जी ये ठीक हो गया इसमें कोई प्रॉब्लम नो सर आर आई आई के इज इक्वल टू ए वन वन सॉरी ए आई आई एक्स आई के क्या ये पॉसिबल है इस सारी की जगह यस सर कैसे जी जी सर ये तो जर्नल टर्म सर है ना गॉस सीडल में इसी के कुल बनेंगे ये देखो ये वाली टर्म ए वन वन ए आई आई ये वाली इसको जस्ट इस तरफ ले आए ए आई आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई के तो बाकी सारी वही टर्म है ठीक है सब ए आई आई जो उस तरफ आ गया तो ये बाकी वो सारी वही टर्म है हम लोगों ने वो लिख दी एनी प्रॉब्लम जी किसी को नो सर अच्छा नेक्स्ट सर मैंने एक चीज पूछनी है जी पूछें तो ये जो आप ऊपर आपने आर एम आई लिखा हुआ था ना ये जो सेकंड लास्ट टू स्टेप्स के हैं कहां सर ये लिखा हुआ ना आर एम आई ये वाला जी सर ये स्टेप कहाँ से मैंने किया है तो वो मेरा नेट चला गया तो मैं जब दोबारा जब मैंने पूछा वो फिर चला गया मुझे समझ नहीं आया ये जो ऊपर हमारे पास ये सारा लिखा हुआ है ना ये वाला B1 B2 ग्रीन तो ये आर आई के बाद वाली टर्म ली है हमने हाँ जी हमने क्या ये किया तो ये पता है मुझे ये आर आई राइट साइड पे है ना ये वाली हाँ जी इसको हमने जनरलाइज करके एम आई लिख दिया बस यही पूछना था और बाकी सारा उसी तरह से लिखा हुआ है कुछ भी नहीं किया तो बाकी बता है ये सही पूछना ठीक है थैंक यू एक चीज मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है इसको देखो जरा ये के माइनस वन है किसने मुझे बताया अभी नहीं ये देखो ना यहाँ से निकला है ना ऐसा ये बात क्लियर हुई ये के माइनस वन मिस कर दिया था यहाँ से है ना इस चीज को दो हिस्सों में ड्रॉप किया ना तो वो के माइनस वन पावर थी के माइनस वन और के माइनस वन जी एनी प्रॉब्लम
जी सबको क्लियर है? नो सर। नहीं, कहाँ से नहीं क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है जी। नहीं, ये नो सर किसी ने कहा ना जी। बच्चे कौन थे जिन्हें समझ नहीं आ रही? आयशा, आपको क्लियर? आयशा रियाज, आयशा रियाज आज फिर नहीं? जी जी सर, जी सर यहाँ ही हूँ। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी जी सर, मुझे समझ आ रही है जी। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं क्लियर हो रहा? सबको क्लियर है? यस सर। जी सर, कंफर्म ना? जी जी जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये क्या, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हमें ये चाहिए ना, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। ए आई आई एक्स आई के इक्वल टू आर आई आई जी ए आई आई एक्स आई के माइनस वन प्लस आर आई 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 के। ठीक हो गया? हाँ जी। और एक्स आई के इज इक्वल टू एक्स आई के माइनस वन इज इक्वल टू वन ओवर प्लस वन ओवर ए आई आई आर आई आई के। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर ये जो ए आई आई हमने इस साइड पर लेकर गए डिवाइड किया, तो अब यहाँ पर के आइट्रेशन वाला नहीं? ठीक है सर, सॉरी, हो गया। सवाल पूछते पूछते समझ आ गई है। अच्छा, सीधा सीधा सर, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है सर। वो बस मैं ये कह रही थी कि ये ए आई आई यहाँ पर आया, तो यहाँ तो के आइट्रेशन है, यहाँ के माइनस वन, तो वो सेम हो गए नहीं? एरर एक्चुअली, वो याद आ गया कि ठीक है सर, हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं एक W का मल्टीपल, ठीक है, ओमेगा। ये वन की जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं? ओमेगा। इस इक्वेशन, ठीक है, मतलब ये ओमेगा कोई भी जी, फॉर एनी पॉजिटिव ओमेगा जी। क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा ओमेगा का क्या यूज है इसमें? ओमेगा का यूज वही स्पीड अप करने के लिए, और कोई यूज नहीं है। ओके सर, ठीक है, अपने क्वेश्चन को स्पीड अप, मतलब ओमेगा हमारे पास ओमेगा फॉर पॉजिटिव जी, पॉजिटिव ओमेगा। यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? हम वन के अलावा और स्पीड अप करने के ठीक भाई, अपने माइक म्यूट कर लें यार, प्लीज सर, माइक बंद करवा दें, समझ नहीं आ रही। ठीक अतीक हो गया, ठीक है। और यहाँ मेगा वन जो है ना, उसकी जगह, सॉरी, वन की जगह हम ओमेगा लगा रहे हैं। ओमेगा फिर हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को स्पीड अप करने के लिए। अच्छा, अब हम लोग एक क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। ये मुझे आप लोगों ने बतानी है कैसे बनी, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जिसको समझ आ गई वो मुझे बता दें। एक्स वन या एक्स आई के इज इक्वल टू वन माइनस ओमेगा एक्स आई के माइनस वन प्लस
ओमेगा ओवर ए आई आई बी माइनस सम ऑफ आई सॉरी जे इज इक्वल टू वन टू आई माइनस वन ए आई जे एक्स जे माइनस सम ऑफ जे इज इक्वल टू आई प्लस वन टू एन ए आई जे एक्स जे के माइनस वन जी आर आई आई की वैल्यू लगाई है सर वैल्यूज पुट की हैं उनकी जस्ट वैल्यूज पुट की हैं कुछ भी और नहीं किया ठीक है और उसके बाद सिंपलीफाई किया तो ये बन गया यस सर ठीक है ठीक है हो जाएगा ना जी सर सर वहां बी आई नहीं बी बी आई हां जी बी आई आएगा बी आई आएगा वो आई 1 आई 2 आई 3 वो बी आई ही आएगा जी जस्ट हमने यहां पे आई आर आई आई की वैल्यू पुट किया आफ्टर सिंपलीफिकेशन ये बन गया हमारे पास ठीक हो गया तो ये याद रखनी है ये इक्वेशन ये इक्वेशन हमारी यूज हो गई ये फार्मूला यूज होगा सक्सेसिव ओवर रिलेशन और अंडर रिलेशन के लिए अगर ओमेगा हमारा जीरो से लेकर पॉजिटिव वैल्यू है ना हमारी ठीक है जी. तो अगर ओमेगा क्या होगा अगर इफ तो ये फॉर्मूला सक्सेसिव ओवर रिलेशन के लिए है हाँ जी और अंडर रिलेशन दोनों के लिए जी सर ओमेगा लाइज बिटवीन जीरो टू वन हो ठीक है देन द प्रोसीजर जो हमारा प्रोसीजर है ठीक है वो क्या होगा इस कार्ड अंडर रिलेशन और इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन वन है ओवर होगा जी ठीक हो गया अच्छा एक yes, sir. एग्जांपल लिखते हैं और फिर उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक ही एग्जांपल करवा दूंगा मेरा ख्याल सारा कुछ ही समझ आ जाएगा आसान से लिखूं बड़ी लिखूं मैं बस दो लिखी हुई है इजी वाली कर लेते हैं सर बड़ी वाली लिखें आसान वाली पेपर में हम कर लेंगे बड़ी वाली लिखूं आसान वाली मैं आसान वाली करो सर यहां पे भी आसान वाली कर लेते हैं पेपर में भी आसान वाली ये भी अच्छा ऑप्शन है क्वेश्चन जी या एग्जांपल 3x माइनस y प्लस z is equal to 1 3x plus 6y plus 2z is equal to 0 3x plus 3y plus 7z is equal to 4 ठीक है और इसमें आप लोगों ने इनिशियल गेस जो है वो 0 0 0 लेना है इनिशियल वैल्यू एक्स वाई जी इक्वल टू 0.0 ठीक है और ओमेगा आपने लेना है 1.1 1.1 है तो इसका मतलब है क्या होगा ओवर रिलेशन जी ओवर रिलेशन बिल्कुल सही सर ये गिवन होंगी कि वैल्यूज ओमेगा की हां जी गिवन होंगी ओके तब तक गिवन नहीं होंगी हम करेंगे कैसे ये हमारा क्वेश्चन था अब हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है फार्मूला फार्मूला हमारे पास क्या था जी क्या फार्मूला था कोई याद है ये जो भी ड्राइव किया
जी एक्स आई के सर ऊपर करना पड़ेगा ये क्या बात हुई एक्स आई इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा ऊपर से कॉपी कर लें इतना लंबा लिखना ये सर कॉपी कर लें ये जो बच्ची लिखवा रही है ना इसको एक नंबर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी है जी कौन प्लस ओमेगा ओवर ए आई आई वाह जुबानी याद हो गया वेरी गुड बी आई माइनस मिशन जे इक्वल्स टू 1 टू आई माइनस 1 जी ए आई जे एक्स जे की के खतीजा आप मिशन फाइका अच्छा मुझे खतीजा की आवाज लगी माइनस समेशन ये बिल्कुल खतीजा की आवाज जैसी ही है जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 टू एन जो बेचारी बता रही है ना उसे रोना आ जाने क्यों बड़ी अच्छी बच्ची है ए आई जे एक्स जे खतीजा आप मुझे माइनस सर हम अच्छे नहीं है नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने कहा वो बहुत अच्छी बच्ची ये आयशा बोली है अब जी जी सर अच्छा 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 नहीं नहीं सारी अच्छी हो मैं वो लव्स कुछ और यूज करने लगा था लेकिन आयशा की वजह से चुप कर गया हूं नहीं सर आप कह लें कोई बात नहीं मैं ये कहने लगा था कि ये बच्चियां जो उनसी है ना दो क्लास की ये हमारे हाथों में पली हैं ठीक है बाकी जो उनसे हैं वो तो आप उधर से कहीं और से आए हो ना तो ये यहां पे ही बड़ी हुई हैं छोटी छोटी सी चुंगड़ियां कौन सर ऐसी बात जी ये BS यहीं से किया हुआ है ना दो बच्चियां हैं यहां पे क्लास में तो वो मुझे बिल्कुल उसकी आवाज लग रही थी खतीजा की तो सिमिलर अच्छा। आवाजें होती हैं अच्छा जी अब हम सबसे पहले देखो आपके पास है x तो x क्या आएगा जी x के इक्वल आएगा 0 लेंगे ना सर इनिशियल वैल्यूज तो जी 1 माइनस ओमेगा एक्स जीरो यहाँ पे अगर वन करते हैं तो जी प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा ए वन वन इनटू बी वन जी आगे बी वन माइनस ए वन टू J2 ही है ना थोड़ा सा तो है जी Y0 और माइनस A13 Z0 बस ये आ जाएगा ठीक है यस तो ये क्या किया आपने मैंने क्या किया तो ये माइनस A12 Y ये देखो ना ये आपके पास A11 है ये A12 है ये A13 है तो यहाँ X1, X2, X3 तो है नहीं था Y और अच्छा सर आगे चलिए आगे ठीक है अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो X as it is 1 माइनस 1.1 यही है ना X, Y, Z था ना यहाँ पे X1, X2, X3 नहीं था ना और X0 क्या है0 1 into 0 तो रिजल्ट आ गया 1.1 divided by 3 तो ये क्या बना 0.367 जितने मर्जी 6 लगा दें अच्छा ये आ गया आपके पास इसी तरह से y क्या निकलेगा 1 minus 1.1 ओमेगा जी यहाँ क्या लिखूंगा y0 प्लस ओमेगा ओमेगा ओवर ए वन वन अच्छा y की वैल्यू है ना अच्छा अच्छा ठीक है b2 माइनस a21
x जीरो वन x वन आएगा फर्स्ट आइटरेशन वाला आंसर पुट करेंगे टू थ्री जैकोबी तो नहीं कर रहे ना जैकोबी करते तो यहाँ जीरो था ना यस सर फिर जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं ये जीरो बन जाएगा वन माइनस वाई जीरो है ना इस वजह से ये जीरो ही आ जाएगा और ओमेगा की जगह 1.1 डिवाइडेड बाय ए टू टू कितना है सिक्स माइनस टू इनटू टू है सर डेट की वैल्यू जीरो है तो ये क्या आएगा माइनस 1.1 इनटू 3 इनटू दिस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा कोई क्या आंसर आ रहा है नेगेटिव नहीं आएगा 0.201667 ठीक हो गया इसके बाद Z Z के लिए करेंगे one minus omega y one नहीं पहले Z not आएगा Z not plus omega omega over A three B three minus A three one X one minus A three two Y one Z Y one Z नहीं आएगा जी वैल्यू पुट करें पहला जीरो हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 7 बी 3 4 माइनस 3 माइनस इनटू 0.3667 माइनस 3 into minus 0.201667 is equal to 0.550786 ठीक है ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गई क्लियर है यस सर अच्छा यस सर कंपैरिजन अगर आप लोगों ने करना है तो इसी क्वेश्चन को गॉस सीडल मेथड से भी कर लें और आफ्टर दैट इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ये क्या नाम है इसका जैकोबी मेथड गॉस सीडल मेथड डायरेक्टली विदाउट एलयू सक्सेसिव एलयू नहीं नहीं एलयू मेथड नहीं कह रहा गॉस सीडल मेथड विदाउट सक्सेसिव आइटरेटिव आइटरेशन मेथड और विद सक्सेसिव आइटरेशन यानी ये जो सा अभी हम लोग मेथड कर रहे हैं ना मतलब सिंपल से करके और दूसरे हां सिंपल से भी और इससे भी आप देखिएगा कि ये कितना स्पीड अप हुआ हुआ है यस सर ओके सर तो इसे आप लोगों ने गो थ्रू करना है ठीक है सर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं जिसे आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है और होपफुली अच्छी ट्राई कर लोगे आप तो सर ये स्टॉप मतलब इसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है तो ये स्टॉप वहां पे होगा जहां पे सबकी वैल्यू सेम हो जाएंगी पीछे वाली आइटरेशन की और आगे वाली के जहां पे सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी या ये कह दें कि जहां पर आप लोगों को एरर्स जो से रिक्वायर्ड आ गई यस ठीक ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट करना है मैंने असाइनमेंट आज पहले ही बना दी है और पिछली असाइनमेंट भी बना दी हुई है मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ 10x1 यस सर ठीक है सर प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड x1 प्लस 10x2 माइनस x3 प्लस 3x4
is equal to 25 minus 2x1 minus x2 plus 8x3 minus x4 is equal to minus 11. 3x2 minus x3 plus 5x4 is equal to minus 11. आपने इसे करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 1.1, ओमेगा इज इक्वल टू 0.9 और ओमेगा इज इक्वल टू 1.3. ठीक है, इन सब के लिए आप लोगों ने करना है इसे और देखना है कि किसके लिए स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सर x1 x2 x3 x4 सबको जीरो ही लेना है ना फर्स्ट आइटरेशन में? आप जीरो ले लें, जो मर्जी उससे कोई इतना ज्यादा, हां जीरो ले लें। ओके सर, मेथड यही यूज करना है या फिर कोई और करना है? मेथड की एग्जांपल दी है ना, प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो आप लोगों ने बीएस में भी किए होंगे, ये नहीं किया होगा ना, या किया हुआ है? यस सर। नो सर, ये नहीं किया। तो आपने x1 x2 x3 x4 is equal to 0. ठीक है, ये ले लें और इसको आप सॉल्व करें। और yes, इसके साथ ही जी जी सर, ये जो रिलेशंस हैं दोनों, सक्सेसिव अंडर और ओवर रिलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? ओमेगा हम लोग डिफरेंट लेते हैं ना बाद जगह ये, हाँ बल्कि आप नहीं, जस्ट बस ओमेगा से, ओमेगा ये है कि वो लेस देन है और एक में ग्रेटर है। ग्रेटर क्वेश्चन सुन लेना। हाँ जी, क्वेश्चन आप लोगों ने ये देखना है कि ओमेगा कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, हाउ टू सिलेक्ट ओमेगा। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये भी असाइनमेंट है। सर एक और बात, क्या से अगर ओमेगा लेस लेते हैं तो उसका उस यानी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, और अगर ग्रेटर है तो क्या इफेक्ट होगा? हाउ जी टू सेलेक्ट ओमेगा, ओमेगा ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट ओमेगा। How to find a best value of omega for a particular system? ठीक है, अच्छा अभी आपने जो कहा ना अफेक्ट, अफेक्ट वगैरह का मसला नहीं है, यहाँ पे है कि आपने ओमेगा जो उनसे है वो ग्रेटर देन वन लेंगे या लेस देन वन लेंगे या क्या लेंगे कि वो सिस्टम स्पीड से सॉल्व हो जाए। ठीक है, हमारा मकसद क्या है कि सिस्टम को स्पीडली सॉल्व करना, तो इफेक्ट नहीं होता बल्कि सिस्टम स्पीडली सॉल्व होता है। तो वो कैसे हम लोग, यानी कि जी ये हमने खुद ही बताना बाप को। हाँ ये तो आपके साथ ये मेरा क्वेश्चन था जो आपने क्वेश्चन कर लिया। हाँ वो एक्चुअली जो उनसे है ना, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, जस्ट वर्डिंग है चंद छोटी सी, तो वो आप लोग खुद से ढूंढ के पढ़ लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है, रीजंस क्या है। अदरवाइज मैं बताऊँगा तो एक लाइन है, लेकिन आप फाइंड आउट करोगे तो भूलेगा नहीं कभी। ठीक है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल रेडियस की मदद से होता है, वो चेक करना क्या होता है। अच्छा एनी अदर क्वेश्चन जनाब, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा अब कौन सा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे? अब तो क्लास ही खत्म होगी हमारी सर, 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ। 5 मिनट रह गए हैं, 7 मिनट मतलब 6 मिनट्स लेफ्ट। चले नहीं पढ़ते, चले नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें?
फिर नेक्स्ट में तो हमारा मीट है, आप भूल गए अभी का सर मीट। वो वाला मीट जो है ना, वो देखो दो तरह के मीट है ना, एक मीट तो ये हम बता दे सर मीट है या नहीं, सर कोई कह रहा है कोई कह रहा नहीं। हमारी क्लास कितने घंटे की होती है? 3 आवर्स। 3 आवर्स की घंटे की सर, तो 1 घंटे का होगा ना? हाँ जी। 3 घंटे का मीट तो नहीं लेना ना? हाँ जी। सर सिलेबस बता दें उसका, वो तो बस हमसे डिस्कस करना। और ना क्लास पेपर जो है ना एग्जैक्ट 9:30 पे स्टार्ट हो जाना, तो आप लोग फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या कह रहे हो सर? तो बस उनका नंबर नहीं है, पेपर की टाइमिंग बता रही हूं ना 9:30। ओ आप सर ना व्हाट्सएप ग्रुप में पता कर लेना, तो बस हम बता सर वो नेम से नहीं उन्होंने ऐड किया हुआ खुद को। एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हो? 1 by 1 बोल लेना सर। वाकिफ मिड है नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, आप जब लेट आते हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? प्लीज सही बता दे, मतलब सर लेट नहीं आई थी सर, मैं तो पूरे टाइम से पहले बल्कि आई हुई थी, लेकिन ना वो नेट जो इतना प्रॉब्लम कर रहा था कि आप लोगों की आवाज इतनी कट के आ रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आई क्या कह रहे हैं आप। चलो कोई बात नहीं, मतलब एक ही बात है, लेट आना या वो प्रॉब्लम नेट की होनी, बात तो एक ही है ना। मैं बता दूंगी आप लोगों को क्लास में भी ना, ग्रुप में बताती हूं। नहीं है कि मैं बता दूंगी, अब हर काम मुझ पे तो ना छोड़ो, कुछ आपस में भी कर लिया करें। चलें ठीक है सर। क्या ख्याल है? ठीक है सर, जैसा आप कहें। चलें थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बच्चे हो सारे। ठीक है, तो आपने तबसम वो जितने टॉपिक है ना वो सारे प्लीज बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में वो ये मेरी जान खा रहे हो कि जी फलां टॉपिक आपने बताया नहीं था तो एग्जाम में आ गया। तो मैं अभी इनको लिस्ट शेयर कर देती हूँ सर, फिर हम तबस्सुम को ही पकड़ेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। वो आप जाने और वो जाने, मुझे आप क्या कह रहे हो? मैंने तो आपसे उससे बता दिया सिलेबस, अब आप उससे सिलेबस लेते रहे। सर वैसे ईमेल वगैरह? जी जी बोले। सर मिट से रिलेटेड कोई ईमेल वगैरह तो नहीं आई वैसे? अभी कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ उन्होंने एक्सटेंशन बताई है कि ऑनलाइन क्लास। हमारी बात तो यकीन नहीं आपको? आप सही कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी की बहुत सीरियस हो गए हैं कि मिड टर्म जो है वो आप ले सकते हो 7वें 8वें 9वें लेक्चर में से किसी में भी, तो हम लोगों ने कहा कि बाकी आपके भी मिड होने हैं तो उससे बेहतर नहीं है कि पहले ही ले लिया जाए। जी सर ठीक है। ठीक है, टोटल 14 या 15 लेक्चर होते हैं ना? जी जी सर जी ऐसे ही। फिर मीट में तो हम पहुंच गए ना? बिल्कुल सर जी। और जनाब लड़के आप लोग सारे खामोश हो, लड़कियां लगी हुई हैं उनको ज्यादा फिक्र है मीट की, आप लोगों को बिल्कुल नहीं? सर वो इसको सारा नहीं बोल रहे हैं सर, आपका कोई बॉय बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है इनको। सर वो इसको आता है वो बेचारे क्यों बोल रहे हैं, गर्ल्स को नहीं आता इसलिए वो शोर करती है। बेचारे जो उनसे है ना वो सोचते हैं कि आपके होते हुए हम बोल नहीं सकते। लड़कियां सर बोलने का मौका ही नहीं देते। चुप कर जाए इन्हें बोलने दे। और मोहसिन भाई तो कभी बोले ही नहीं है, चले आज बोल ले। मोहसिन? मोहसिन जी सर, आपको सारी चीजें क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो ना मिड टर्म के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। श्योर सर, श्योर सर। जस्ट मोहसिन भाई हम नहीं पूछ सकते? आपने तो तबस्सुम से पूछना ना। नहीं मैंने तो तबस्सुम से नहीं पूछना, मैंने सबसे पूछना बना दिए हैं, लड़के जितने हैं वो सारे उन्हें मुझसे पूछने हैं और लड़कियां जो उनसी हैं वो सारी तबस्सुम से। ठीक है यस सर। यस सर ठीक हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं ना क्लास के ग्रुप में नहीं हूं, तो या तो मुझे क्लास के ग्रुप में ऐड कर दे, करवा दे, और ये आप मुझे भी बता दे। आपके पास मेरा नंबर है? नहीं सर। नहीं है क्लास में किसी के? हाँ जी नंबर है। नो सर, एक्चुअली मेरी बस जो पिछली क्लास थी ना, लास्ट वाली क्लास जो थी ना, वो मेरी फर्स्ट क्लास थी और आज मेरी सेकंड क्लास है ना, मेरे पास किसी का कॉन्टेक्ट नंबर। आप ऐसा करो ईमेल जो है ना उसमें मुझे नंबर अपना भेज दो। ठीक yes, है तो मैं अभी ऐड कर देता हूं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। वीडियो ओपन हो गई या नहीं होगी? जी सॉरी
सर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई या नहीं? 13 तारीख को वो पता चलेगा हमें, उन्होंने कहा नहीं कि 13 तारीख को हम लोग बैठ के दोबारा से डिस्कस करेंगे। मुंबरा तुम्हारे लिए ओपन है, तुम अभी भी जा सकती हो। मेल आ गई यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, 30th तक है ऑनलाइन। 13 तारीख तक एक एक करके बोल लो। सर 28 अप्रैल तक नहीं और नोटिफिकेशन आया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना है नेक्स्ट, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन ही जाएगा सारा 30th अप्रैल तक। मेल आ गया, कोरोना बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, कसूर में भी काफी ज्यादा आ गया, हमारी फैमिली में भी कोरोना आ गया। मुझे लगता है कि अब हमारी यूनिवर्सिटी फाइनल तक नहीं ओपन होगी। अल्लाह बेहतर करे लड़कियों, क्यों बुरा बुरा बोल रही हो? नहीं सर, सर कोरोना बहुत आ गया कसूर में, बहुत ज्यादा। सीरियस बात है, बहुत ज्यादा कोरोना आ गया इधर कसूर में भी। वाले कसूर ना करें ताकि कोरोना ना आए। सर सच्ची बहुत ज्यादा आ गया, हमारी फैमिली में भी आ गया है बस सब। सर आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल है डीपीएस सर, उसमें ना ऑलमोस्ट 10 टीचर्स हैं जिनको कोरोना हो गया है। सबसे ज्यादा इसलिए कसूर वालों को माफ कर दें, कसूर वालों को छुट्टियां ही नहीं हुई। चलें जनाब, कसूर वालों का कसूर। वो ना उन्होंने सर वो अभी वो है प्ले ग्रुप के एडमिशन हो रहे हैं, फीसिस वगैरह लेके ना, तो फिर वो स्कूल बंद करेंगे। सबके लिए अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और दूसरा ये है कि मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा सारे ना। आमीन सर, आमीन। अल्लाह ताला ने आमीन सर, अल्लाह पूरे से सर उन्हें क्या हुआ है ये कोरोना उनको हुआ हुआ है, और वो पिछले 10 दिन 31 से सर। बाकी मेंबर्स ठीक है, फैमिली वाले? बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक है। अम्मी का है वो बहुत ज्यादा सीरियस, पिछले दिनों में तो हार्ट बीट तक बंद हो गई थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 2 दिन से थोड़ी रिकवरी आई है। दुआ कीजिएगा उनके लिए। अल्लाह हाफिज़।